एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, महाराष्ट्र संकट से जुड़ा हुआ। महाराष्ट्र संकट का चौथा दिन है, शिवसेना से नाराज विधायकों का खेमा एकनाथ शिंदे की अगुवाई में गुवाहाटी के होटल में टिका हुआ है। खबर है कि आज कुर्ला के विधायक मंगेश कुदालकर और दादर के विधायक सदा सर्वांकर भी शिंदे कैंप में पहुंच सकते हैं। बताया जाता है कि मुंबई में भी शिंदे के समर्थक 3 शिवसेना विधायक मौजूद हैं। अगर दावे के मुताबिक विधायक शिंदे खेमे को ज्वाइन कर लेते हैं तो शिंदे के साथ शिवसेना के विधायकों की संख्या 36 तक पहुंच जाएगी, जबकि अन्य 12 विधायक भी शिंदे के साथ बताए जाते हैं। इस बीच शिंदे गुट ने 34 विधायकों के हस्ताक्षर वाली चिट्ठी गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को भेजी है। चिट्ठी में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे ही शिवसेना विधायक दल के नेता हैं। भरत गोगावले को नया चीफ व्हिप चुन लिया गया है। और गौर करने वाली बात यह भी है कि शिवसेना ने शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया था। इस बीच एक अहम घटनाक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अपने सरकारी आवास वर्षा से सामान समेत मातोश्री पहुंचकर। गुवाहाटी से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा अनुपम के पास चलेंगे। अनुपम, कल से आप इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं, ताजा अपडेट क्या मिल रहा है इस वक्त वहां पर, और कितने विधायक मौजूद हैं और कितने और आ सकते हैं, क्या जानकारी? जी मल्लिका, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अब पहली कोशिश गवर्नर से संपर्क साधने की हो चुकी है एकनाथ शिंदे की ओर से, और उन्होंने दावा भी किया है कि उनके पास जो बहुमत साबित करने के लिए विधायक होने चाहिए वो हैं, और इसी कोशिश में एकनाथ शिंदे जुटे हुए हैं। कल रात लगभग 9:30 के आसपास 4 विधायक पहुंचे थे यहां पर गुवाहाटी में। इसके बाद आज सुबह भी 2 विधायकों के यहां आने की बात है, और जो कुल आंकड़ा पहुंच रहा है वो 36 के आसपास पहुंच रहा है। ऐसे में एकनाथ शिंदे गुट का कहना है कि एक और विधायक उनके साथ हैं तो कुल संख्या 37 हो जाएगी इनके पास। और संपर्क साधने की जो कोशिश हुई है गवर्नर से, अब गवर्नर पर डिपेंड करता है कि वो इसके बाद किस तरह का रिएक्शन देते हैं, क्या समय देते हैं। अगर वो तुरंत समय देते हैं फ्लोर टेस्ट का तो तुरंत यहां से जाना होगा, लेकिन सब कुछ निर्भर कर रहा है राज्यपाल के अगले कदम पर। और जो कोशिश चल रही है एकनाथ शिंदे की, उसमें वो कामयाब होते हैं कि नहीं ये भी देखने लायक बात होगी। और देखने लायक ये भी होगा कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे कल फेसबुक लाइव के जरिए सामने आए और उन्होंने अपने बागी विधायकों से बात करने की कोशिश की, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं एक भावुक अपील भी करते हुए नजर आए। देखना होगा कि क्या उसका असर जो बागी विधायक हैं गुवाहाटी में जो इस वक्त डेरा डाले हुए हैं उन पर पड़ता है या नहीं। जी मल्लिका, दरअसल ये जो भावनात्मक अपील की गई थी वो इस सोच के साथ की गई क्योंकि सारी कोशिशें बेकार हो रही थी मान मनोबल की या फिर समझाने बुझाने की, और दूरी इतनी बढ़ चुकी थी कि कम्युनिकेशन करने के बावजूद यहां से कोई नहीं हिला। और जितने भी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गुवाहाटी आए थे, जबकि 5 बजे का समय भी दिया था उद्धव ठाकरे ने, लेकिन यहां से कोई वहां नहीं गया। तो ऐसे में 5 बजे के बाद उद्धव ठाकरे ने फेसबुक अपील इस सोच के साथ की कि भावनात्मक अपील के बाद अगर कोई यहां से वहां पहुंचे, लेकिन वो भी अभी तक नहीं हो रहा है। उल्टे जो विधायक हैं दूसरे वो धीरे धीरे गुवाहाटी पहुंच रहे हैं और संख्या जो है एकनाथ शिंदे गुट की वो बढ़ रही है। तो ऐसे में जो उम्मीद की जा रही है, जो एकनाथ शिंदे गुट का दावा है कि 37 विधायक अगर उनके पास होते हैं तो जो दल बदलू कानून है वो उन पर नहीं लगेगा, तो उसके बेहद करीब वो पहुंच चुके हैं। अब अगला कदम वो जो था बड़ा कदम उसकी भी उन्होंने वो भी उन्होंने ले लिया है गवर्नर से संपर्क साधने का। अब ये देखने वाली बात होगी ये जो 37 विधायक का दावा किया जा रहा है वो उनके पास है कि नहीं, और अगले कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में स्थिति पूरी साफ होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल अनुपम, तो महाराष्ट्र में आए सियासी भूकंप का एपिसेंटर गुवाहाटी बना हुआ है।